पिछोर में ईद और परशुराम जयंती के त्यौहार को लेकर रखी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। पिछोर डीएसपी प्रशांत शर्मा ने ईद और परशुराम जयंती का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की जनता से अपील। पिछोर में आज थाना परिसर पर शांति समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक डीएसपी प्रशांत शर्मा के आदेश पर थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने पिछोर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी। बैठक का मुख्य उद्देश्य ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए एवं परशुराम जयंती के दिन चल समारोह भी शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। इस बैठक में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विकास पाठ ठक एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष पूनम सोनी एवं पत्रकार गण एवं मुस्लिम भाई बैठक में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य परशुराम जयंती और ईद का त्यौहार एक ही दिन पड़ रहा है, इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम भाई शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना त्यौहार मनाएं। ईद के त्यौहार को लेकर ईदगाह पर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी उस विषय पर भी चर्चा की गई एवं परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम जी का चल समारोह किस तरह से निकाला जाएगा और कहां कहां से निकाला जाएगा इस विषय पर भी बैठक में चर्चा की गई। सर, आज थाने परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ कहेंगे? आगामी 22 तारीख को ईद भी है और उसी दिन ब्राह्मण समाज का जो परशुराम महोत्सव का चल समारोह है उसकी भी आयोजन होना है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन और आमजन, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति और मुस्लिम समाज के व्यक्ति, एक संयुक्त शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें उसको शांति और सद्भाव से दोनों त्यौहार एक साथ मनाए जाने के लिए जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है। कुछ निर्देश दिए गए पुलिस द्वारा? जी, बस व्यवस्था बनाने के लिए सबसे सहयोग की अपेक्षा की गई है, नगर पालिका से भी सहयोग की अपेक्षा है, आम जनता से भी है और पुलिस प्रशासन हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।